बाड़मेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन चौहटन विधानसभा के दूधवा खुर्द बूथ संख्या 50 पर फर्जी वोटिंग और गोपनीयता भंग होने पर दोबारा पोलिंग बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। वोटिंग शुरू होने के साथ बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आई। वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए। मात्र एक बूथ पर हो रहे पुनर्मतदान को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन और अन्य अधिकारी भी बूथ पर मौजूद रहे और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मतदान करवाया गया। चौहटन लोकसभा चुनाव को लेकर चौहटन विधानसभा क्षेत्र में दूधवा खुर्द मतदान केंद्र पर बुधवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुनः मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। दूधवा खुर्द मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदान दल के अधिकारियों के निर्देशन में सवेरे 7 बजे अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं मॉक पोल के बाद पुनः मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान दूधवा खुर्द ग्राम में मतदान केंद्र के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया। वहीं प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारियों कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। दूधवा खुर्द में बूथ संख्या 50 पर कुल 1294 मतदाता है, जिन्होंने पुनः मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान शुरू होने के साथ ही रिटर्निंग अधिकारियों, जिला कलेक्टर निशांत जैन, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निगरानी की। यहां मतदान केंद्र के आसपास भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। व्यवस्थाएं क्योंकि मतदाता काफी संख्या में आए हुए हैं, उनमें काफी उत्साह है, तो मतदाता बूथ पर आप देख रहे हैं कि छाया की, पानी की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था और व्हीलचेयर की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल उसी तरह से की गई हैं। और मैंने अभी मतदान बूथ का अवलोकन भी किया, तो मतदान भी सुचारू रूप से चल रहा है। सर, किस तरह से स्कैनिंग की जा रही है मतदाताओं की, मतदान बूथ में प्रवेश दिया जा रहा है? देखिए, जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो वैलिड आईडी लेकर के आते हैं वो लेके, और उसके अलावा फोटोयुक्त मतदाता सूची से मिलान करके उसी तरह से प्रवेश दिया। अच्छा, व्यवस्था को लेकर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का नोडल अफसर लगाए गए, 3 डिप्टी एसपी लगाए हैं और 7 एक एसओ लगाए और 50 एक रिजर्व जाब्ता लगाया, पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया है। 3 पुलिस मोबाइल पार्टी है, मैं स्वयं और कलेक्टर साहब यहाँ देख रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पुनः मतदान के लिए स्थापित मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई। शांति और सुरक्षा की उम्मीद जगने के बाद धीरे धीरे मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे। चौहटन के आकोड़ा ग्राम पंचायत के दूधवा खुर्द बूथ संख्या 50 पर 26 अप्रैल को आयोजित मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता भंग होने के चलते चुनाव आयोग ने पुनः मतदान का निर्णय लिया था, जहां भारी सुरक्षा प्रबंध के बीच शांतिपूर्ण ढंग से पुनः मतदान हुआ। विकास के लिए और अच्छे उम्मीदवार को चुने। अच्छा, एक ही चुनाव के लिए 2 बार मतदान कैसे देखते हैं? जो मिस्टेक हुई है और दोबारा वापस जो निष्पक्ष वोट हो रहे हैं और किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से वोटिंग फिर से हो रही है। अच्छा, क्यों जरूरी है मतदान? मतदान हमारे देश के लिए और प्रगति के लिए जरूरी है और हमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और वोट भी देना चाहिए। अच्छा, कल तापमान जो है 45 डिग्री के पार हो गया, फिर भी आज काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या जहन में है? ये राष्ट्र के प्रति जो लोगों का समर्पण है, उनका भाव है और इसके लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपना मतदान करके अपना परिचय दे रहे हैं। कुछ चुनाव में लफड़ा हुआ होगा, इस कारण दूसरा बार हो रहा है। अच्छी बात है कि जो धांधली की शिकायत है, दोबारा चुनाव होगा। धांधली शिकायत होती है तो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो तो गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। अच्छा, कौन से मुद्दे हैं जहन में जिनको लेकर? इस बार मुद्दे खास करके तो यहाँ पे शिक्षा के है, पानी का है और हॉस्पिटल का है, चिकित्सा है नहीं गाँव में और शिक्षा से ही पिछड़ा हुआ है। 12वीं स्कूल है, इतना इसमें जितने मास्टर होने चाहिए उतने मास्टर भी नहीं है। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही है, बाकी वाली सरकार के तो 5 साल में बदलती रहती है, सब वादे करके जाते हैं, करता कोई नहीं है। चौहटन के दूधवा खुर्द बूथ पर चल रहे पुनः मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटिया और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल ने बूथ का जायजा लिया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों ने प्रशासन की खामियों को बताया। पुनः मतदान की वजह रविंद्र सिंह भाटिया ने गोपनीयता भंग होना बताया, तो वहीं उम्मीदवार राम बेनीवाल ने फर्जी मतदान को पुनः मतदान का कारण बताया। रविंद्र सिंह भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां एक होकर लड़ रही है, बाड़मेर सीट का चुनाव संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं करने की बजाय शिव और जैसलमेर को टारगेट बनाने का भी पार्टी ने आरोप लगाया। दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी से वार्ता कर जानकारी देने के साथ आम मतदाताओं से भी चर्चा की। तौर पर बिना डर से लोग वोट कर रहे हैं और उस दिन भय के साथ में वोट किए थे और ज़्यादातर वोटों के वोट नहीं देने दिया लोगों को, सही जगह के खाली बाहर निकाल दिया गया। हम कल यहाँ आए थे जब असली स्थिति पता चली, उससे पहले प्रशासन को पता चल गई इस चीज़ों को, उसको लेकर
ये पुनर्मतदान हो रहा है। अब लोकतंत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था होना, किसी को वोट देने से रोकना, ये ठीक नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देना बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, और इस तरीके का व्यवस्था लोकतंत्र को कभी इजाज़त नहीं देती कि ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र के अंदर हो। ये संज्ञान में आया था, हमने तो शिकायत की थी उस दिन समीक्षा बैठक के अंदर, हमने बहुत बड़ी लिस्ट दी थी, लेकिन बाद में कोई सबूत वगैरह था नहीं, तो बाद में इन निर्वाचन आयोग के संपर्क में लोग कोई आए, उनके सबूत हाथ लगे थे और उनको पता चला कि यहाँ भयंकर गड़बड़ी हुई है, तब जाके डिसीजन लिया गया। हमने तो पहले ही मांग की थी, काफ़ी बूथों की थी, लेकिन उस समय हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड सबूत था नहीं, पर लोगों से इधर उधर पता करने के बाद कल जो स्थिति हमको पता चली वो बड़ी चिंताजनक बात है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी SC ST के लोगों को, विशेष करके उनको वोट नहीं देने दिया जाता, ये बड़ी चिंता की बात है। सांसद और बाड़मेर जसमे और बालोतरा की जनता ने विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँ कि राजस्थान सभा ज्यादा अगर पोलिंग केत हुई तो अपने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में ना, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोगों द्वारा की गई। तो वाकई एक लोकतंत्र है, ये संगम मोटे त्यौहार रे मीना जो बढ़ चढ़ हिस्सो लियो है, वहाँ सब ना धन्यवाद देना चाहूँ। और निश्चित रूप मीना थार रे मीना सेवोग है, और आज भी जो जोश और उत्साह दिखो वो निश्चित रूप रे मीना पूरे तरीके में विश्वास रे बड़ो कह सका कि 4 तारीख रो जो परिणाम है वो ऐतिहासिक है, और बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता री जीत। रीपोलिंग लेके क्या चाह रहे हैं? रीपोलिंग करी है, प्रशासन ना कई सारा डाउट सता हुआ ना लागे कि साहब रीपोलिंग, मैं भी कई सारा ऑब्जेक्शन राइज करया था, पर प्रशासन के थन के बीजेपी और कांग्रेस सब एक और काम कर रही है, और वहाँ ना लागे कि साहब रीपोलिंग जो एप्लीकेशन सी वो वहाँ एक्सेप्ट करी को नहीं, पर वो कहना चाहूँ कि काले रे बाद में वो तमाम जो भी वो यहाँ शिकायत जिकार माथे विचार करियो कुन तो वहाँ पाछे हूँ संज्ञान में लाई, और अगर जरूरत पड़ी चुनाव आयोग तक जाई, सो निश्चित रूप रे मीना तमाम हुई जगह जेत धांधली हुई है वो जगह रिपोल होना चाहिए। चौटन के दूधवा खुर्द मतदान केंद्र पर बुधवार सवेरे 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से पुनः मतदान शुरू हुआ। शाम 5 बजे तक 67.07% मतदाताओं ने मतदान, कुल 1294 में से 886 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के बावजूद मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया।